बिग बॉस ओटीटी को लगभग 5 हफ्ते से ऊपर बीत चुके हैं। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, लोगों को बिग बॉस ओटीटी देखने में और मजा आ रहा है। फिर चाहे वो मनीषा रानी की चिकनी चुपड़ी बातें हों, बोलने का अंदाज हो, या फिर अभिषेक मल्हान, जिन्हें हर कोई फुकरा इंसान के नाम से जानता है। और जब बात फुकरा इंसान की हो तो पूजा भट्ट कैसे पीछे रह जाएगी, क्योंकि बिग बॉस ओटीटी को देखने वाली ऑडियंस इन्हीं दोनों को ओटीटी का सबसे दमदार कंटेस्टेंट मानती है। और अब तो शो में दो लोगों की वाइल्ड कार्ड एंट्री भी हो गई, आशिका भाटिया और एल्विश यादव की, जिससे बिग बॉस ओटीटी का कंटेंट और भी दमदार हो गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम और आप जानेंगे कि बिग बॉस ओटीटी में क्या नया होने वाला है और कौन किस पे भारी पड़ रहा है, और क्या सलमान खान छोड़ सकते हैं बिग बॉस ओटीटी की होस्टिंग। इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आप तक लाते रहें। वेल, बिग बॉस ओटीटी का सीजन हमेशा ही अपने शो की क्रिएटिविटी को लेकर जाना जाता है, जिसमें कंटेस्टेंट कुछ भी कैसे भी करके घर का हिस्सा बना रहना चाहते हैं और अपने आप को सेव करने की जद्दोजहद में क्या नहीं करते। और ऐसे माहौल में जब उन्हें टास्क दिया जाता है, तब तो घर में क्या क्या भूचाल आता है आप सभी जानते हैं। फिलहाल बिग बॉस ओटीटी की शुरुआत 17 जून 2023 को हुई थी। तब से लेकर अब तक इन दिनों में काफी कुछ देखने को मिला है। फिर चाहे वो बिग बॉस के इतिहास में पहली बार किसी कंटेस्टेंट को घर में एंट्री के साथ ही एग्जिट का रास्ता ही क्यों ना दिखाया गया हो, जिससे बिग बॉस वाकई काफी मजेदार बनता जा रहा है। बिग बॉस ओटीटी के हाउस में अभी फिलहाल आपको अभिषेक यानी फुकरा इंसान, मनीषा रानी, बेबिका, पूजा भट्ट, जिया शंकर, अविनाश, फलक, जैद और अब दो नए वाइल्ड कार्ड यानी आशिका भाटिया और एल्विश यादव की एंट्री के बाद शो में और भी मजा आ रहा है। सोशल मीडिया पर एल्विश और अविनाश की गर्मा गर्मी की वीडियो खूब वायरल हो रही हैं और ऑडियंस को एल्विश के बोलने का अंदाज काफी पसंद आ रहा है। लेकिन दोस्तों, इस बार जब सारे घर वाले वीकेंड के वार में सलमान खान का इंतजार कर रहे थे और टीवी पर जब कृष्णा आए सबकी क्लास लेने, तो थोड़ा अटपटा जरूर लगा। लेकिन कृष्णा ने घर वालों की क्लास लगाई, फिर क्या, वीकेंड के वार में हुआ घमासान। मनीषा रानी और बेबिका की जोरदार लड़ाई देखने को मिली, साथ ही कृष्णा उन कंटेस्टेंट को वड़ा पाव खिलाते दिखे जो घर में बड़ी बड़ी बातें करके एंटर हुए थे, लेकिन घर के अंदर आते ही फुस हो गए। सबसे पहले फलक नाज की क्लास लगी, फिर बारी आई अविनाश सचदेवा की। इसके बाद मनीषा रानी को करेले वाला कड़वा वड़ा पाव खिलाया गया। फिर जैद हदीद की बारी आई, पर उन्होंने घर में काफी कुछ सीखा, जैसे कि हिंदी में डायलॉग्स बोलना, तो उन्हें वड़ा नहीं खिलाया गया। इसके अलावा अभिषेक मल्हान, बेबिका और पूजा भट्ट को भी वड़ा पाव नहीं खिलाया गया, क्योंकि वो घर में अच्छा परफॉर्म करते पाए गए हैं। इसी के साथ वीकेंड का वार का हो गया दी एंड। वेल, इस बार किसी का नॉमिनेशन तो नहीं हुआ, लेकिन एक बात जो सुर्खियों में बनी हुई है वो ये है कि क्या सलमान खान बिग बॉस छोड़ रहे हैं या छोड़ चुके हैं, क्योंकि पिछले 2 एपिसोड से सलमान खान शो में नजर नहीं आ रहे। सलमान खान हर हफ्ते वीकेंड का वार में आते हैं, लेकिन इस बार सलमान खान को देखने के लिए फैंस की आंखें तरस गई। सलमान खान की जगह इस बार शो को कृष्णा अभिषेक अकेले होस्ट करते दिखे, वहीं अगले दिन कृष्णा का साथ भारती सिंह ने दिया। पिछले दिनों जब सलमान खान के हाथ में सिगरेट पकड़े जाने की फोटो वायरल हुई, तो भाईजान पर सवाल खड़े होने लगे थे कि सलमान तो कह रहे थे कि वो ओटीटी पर रूल ब्रेक नहीं होने देंगे, और अब तो वो खुद रूल ब्रेक कर रहे हैं। ऐसे में बीते दिनों जब सलमान स्क्रीन पर नहीं आए, तो र्यूमर शुरू हो गए कि शायद सलमान ने शो छोड़ दिया। लेकिन बिग बॉस खबरी ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि ये सब अफवाह है कि सलमान खान ने बिग बॉस ओटीटी 2 छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है, ये झूठ है। सलमान खान ही शो के होस्ट हैं, वो ही इस शो को आगे भी होस्ट करेंगे। वेल दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी का घर है और घर से हमेशा रोजाना कुछ ना कुछ मिर्च मसाला तो मिलता ही रहेगा। आप बताइए कि बिग बॉस में आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं,
कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें लिखकर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड विद योर यूट्यूब चैनल क्लासिक पीपल्स।